हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सबा ब्यूटी कॉर्नर। मेरे आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि आप लोग किटन्स के लिए, पर्शियन किटन्स जो होते हैं उनके लिए कौन सा फूड देना अच्छा होता है, उन लोग के लिए डाइट कैसी मेंटेन करनी चाहिए और उन लोग के डाइजेशन के लिए कौन सा फूड सूट करेगा, वो सब मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने मेरे दो किटन्स को शेयर किया था, तो वो लोग मेरे घर पर ही रहते हैं, मेरे किटन्स हैं वो। तो मैं उन लोग को जो खाना प्रोवाइड करती हूँ, जो मैंने उन लोग की स्टार्टिंग से अब तक जो खाना प्रोवाइड किया है, वो सब मैं आपके साथ बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने मेरे किटन्स को 45 डेज़ के जब वो थे तब से ही मैंने रॉयल कैनाइन देना स्टार्ट किया था। फ्रेंड्स, रॉयल कैनाइन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड होता है, ये पर्शियन किटन्स के लिए स्पेशली एक कंप्लीट फूड कहलाता है। फ्रेंड्स, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये बेस्ट फूड होता है अपने किटन्स के लिए। ये आपको अडल्ट में भी मिल जाएगा, अगर आपकी कैट अडल्ट हो तो आप उसे इसे अडल्ट में भी ले सकते हैं। ये मैंने 2 kg का पैक लिया है। फ्रेंड्स, आपको ये छोटा पैकेट भी मिल जाएगा या फिर आप 2 kg वाला भी ले सकते हो। इसके साथ मुझे एक छोटा सा फ्री सैंपल मिला है, जो कि आई गेस मेरे ख्याल से ट्यूना होगी, इसमें ट्यूना फिश होगी। ये छोटा सा फ्री सैंपल मिला है, तो अभी आपको मैं इसके फ़ायदे बताती हूँ। फ्रेंड्स, रॉयल कैनाइन फूड से आपकी किटन की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और आपके किटन को लॉन्ग हेयर्स आते हैं, डाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है, उन लोग को डाइजेस्ट करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये फूड बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है। एंड ये इस पर आप देख सकते हैं, ये आप 2 months से ही स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने 45 डेज से ही स्टार्ट कर दिया था ये फूड, जब वो 45 डेज़ के थे। आप इसे 12 मंथ्स तक फीड करते हैं, जब वो 12 मंथ्स के हो जाएं तब तक भी आप इसे फीड कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पर देख सकते हैं, इसका एक्सक्लूसिव फॉर्मूला है, जिसकी वजह से ग्रोथ अच्छी होती है, डाइजेशन अच्छा होता है और उसके लॉन्ग हेयर्स ग्रो होते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे दिन में 3 बार फीड कर सकते हैं, मॉर्निंग में, लंच में एंड डिनर में। आप इसे नॉर्मल क्वान्टिटी में फीड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये दिखने में बिस्किट्स टाइप होता है, जैसे कि अभी यहाँ पर शो कर रही हूँ मैं, ये बिस्किट्स टाइप में होता है और ये ड्राई फूड होता है, ये वेट नहीं होता है। फ्रेंड्स, तो ये किटन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि हम कोई और दूसरा पैकेज अगर हम लेना चाहें, अगर हम एक्सपेंसिव अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और हमें कोई सस्ता वाला खाना चाहिए, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। मियाओ होता है फ्रेंड्स, मियाओ एक ब्रांड है जो कि पर्शियन किटन्स के लिए है। ये भी आपको अडल्ट में मिल जाएगा। ये मैंने 1.1 kg का पैकेट लिया था, जो कि मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया, मुझे 360 इंडियन रुपीज़ में मिल गया था ये। और इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छा होता है, ये भी डाइजेशन में मदद करता है। आप इस पर पैकेज पर ही देख सकते हैं इसके कितने सारे फ़ायदे हैं, आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ मैं। इससे आपकी कैट के डाइजेशन अच्छा होगा, हेल्थी विजन होगी, हेल्थी बोन्स एंड टीथ होंगे एंड हेयर ग्रोथ अच्छी होगी एंड स्किन भी बहुत ही ज़्यादा शाइनी होगी। एंड इसमें आपको फ़िश और एग मिलेगा, जिस वजह से आपकी किटन की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये इसलिए लिया था क्योंकि मेरे किटन्स को मैं एक ही खाना हमेशा कंटिन्यूसली नहीं देती हूँ, एक ही फूड मैं हमेशा प्रोवाइड नहीं करती। उन लोग के लिए भी हमको टेस्ट चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो एक ही टेस्ट खाकर उन लोग भी थोड़े से अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो इसलिए मैं उन लोग को मॉर्निंग में रॉयल कैनाइन देती हूँ और मैं इवनिंग में उन लोग को मियाओ फूड देती हूँ। इस तरह से वो खाना बैलेंस कर लेते हैं और उन लोग को भी फूड अच्छा लगता है। अभी हम बात करते हैं स्नैक्स के बारे में। जैसे कि कैट्स को, यानी कि किटन्स को स्नैक्स खाने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। मेरे किटन्स को फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है, जब भी मैं उन लोग के लिए फ़िश लाती हूँ या फिर मैं उन लोग को फ़िश फीड करती हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। तो मैंने 3 packets लिए थे, मियाओ ब्रांड के ही है फ्रेंड्स ये मुझे बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल गया। ये 40 rupees का पैकेट होता है। देखिए, ये ट्यूना फिश है, ये ड्राई नहीं होता है फ्रेंड्स, ये वेट फूड होता है। जैसे कि रॉयल कैनाइन और मियाओ के जो बिस्किट्स है वो दोनों भी ड्राई थे, ये एक है, ये जो स्नैक्स है मियाओ के ये वेट होते हैं। तो ये ट्यूना फिश होती है, ये मेरे किटन्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली ऑल किटन्स ही इसको प्रेफर करते होंगे। तो आप लोग 2 दिन में 1 बार या फिर 3 दिन में 1 बार अगर उन लोग को स्नैक दोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। आपके किटन्स को भी अपने खाने में चेंजेस चाहिए होता है, क्योंकि जैसे कि हम एक खाना कंटिन्यूस नहीं खा सकते हैं, तो वैसे ही वो लोग भी एक फूड कंटिन्यूस नहीं खा सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू फ्रेंड्स, छोटा सा। अभी मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप एक्सपेंसिव लेना चाहें तो आप प्लीज़ प्रीफर रॉयल कैनाइन, क्योंकि वो एक कंप्लीट एंड बेस्ट फूड है। अगर आप एक्सपेंसिव प्रीफर नहीं कर सकते हो तो फिर आप मियाओ भी ले सकते हो, मियाओ इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फूड फॉर योर किटन्स। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप
कौन सा प्रिफर कर सकते हैं और कौन सा नहीं। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।